हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो मैंने मैदा लगा रही हूँ, छान लेती हूँ मैं हर चीज़ को, कम लगी तो दोबारा से कर रही हूँ मैं। और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सूजी, थोड़ी सी डालनी है, और थोड़ा सा दही, दही भी डालना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच चीनी, ज़्यादा नहीं डाल देनी है, एक चम्मच डालनी है, और पानी के साथ इसे मिला देना है और आधा घंटे के लिए ढक के रख देना है। तो मैं छोले छौंक रही थी, व्रत रहे थे हम लोग, इसलिए प्याज नहीं डाली और सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं। अब मसाले की बारी, और जो भी मसाला हमको डालना है वो डाल देना है, छोले मसाले वगैरह, हल्दी मिर्च, धनिया, नमक, जो भी डालना है आपको, जो आपके पास अवेलेबल हो। और मैं पानी डाल के ये कुकर बंद कर रही हूँ, जितने छोले आलू डालने हैं वो बंद डाल दे रही हूँ मैं। ज़्यादा नहीं बनाने थे, कम बनाने थे, तो क्योंकि हम दो ही लोग हैं और ये यहाँ पे बन चुके हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब बारी है स्वादिष्ट भटूरे बनाने की। तो मैंने बेलन पे वो रिफाइंड लगा लिया कि कहीं चुपके ना और कहीं ख़राब ना हो। तो मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ और हाथ से पूरा मैं बड़ा उसको कर देती हूँ। देखो इस तरह से मैं डाल रही हूँ, ऐसे ही अच्छे बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। और जो बाज़ार में मिलते हैं ना, उससे आपको खा के पता चल जाएगा कि कितना अच्छे लगते हैं, उससे कितने टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से आपको अगर वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और ये मेरी वीडियो अगर पसंद आए आपको तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह से हम बनाते जा रहे हैं भटूरे। देखो एकदम से फूले फूले निकलेंगे, एकदम मस्त। तो मैंने खाने के लिए अचार भी रख दिया है और मैं छोले में गरम मसाला डाल रही हूँ MDH का। और देखो छोले तैयार, वो छोले भटूरे तैयार हो चुके हैं, और मैं कटोरी में वो भी रखने वाली हूँ। और थोड़ा सा बेल के इस तरह से थोड़ा सा बेल लेंगे और हाथ से उसे कर देंगे। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो वो खाने के लिए बोल रहे थे कि लाओ जल्दी, भूख लगी है। तो मैं तैयार कर ही रही हूँ। देखो सारे भटूरे एकदम, ये नहीं है कि एक दो फूलेगा, पूरे भटूरे फूलेंगे इस तरह से। मेरी जो वो है ना बनाने की स्टाइल, इस तरह से बनाएंगे तो सारे भटूरे फूलेंगे, एक दो नहीं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग खाइए, देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।